दोस्तों इन्फिनाइट डार्कनेस की स्टोरी को रेसिडेंट इविल 4 और रेसिडेंट इविल 5 गेम के बीच में सेट किया गया है। स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स लियोन एस केनेडी एंड क्लेयर रेडफील्ड। लियोन प्रेसिडेंट ग्राहम की बेटी एसले को रेसिडेंट इविल 4 में लॉस इल्यूमिनाडोर से बचाने के बाद अब लियोन व्हाइट हाउस का एम्प्लॉय है और क्लेयर वॉर टॉर्न नेशन पेनिमिस्तान में एक एनजीओ के साथ काम कर रही है। सो आइए हम और आप मिलकर स्टोरी को पूरी तरह से जानते हैं। एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। ऑनगोइंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट कंट्री पेनिमिस्तान में 6 साल पहले मैड डॉग्स नाम का एक सोल्जर क्र्यू पेनिमिस्तान में फंसे एक दूसरे सोल्जर क्र्यू को रेस्क्यू करने जाता है, जिन पर कुछ लोकल्स का अटैक हुआ था। प्रेजेंट डे, क्लेयर एनजीओ में एक अपाहिज बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, जहां वो बोल नहीं सकता था। क्लेयर उसके बनाए हुए ड्राइंग्स देखती है, जिस पर उसने जॉम्बीज को उतारा था। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस भी काफी तनाव में होता है, क्योंकि व्हाइट हाउस में हैकिंग द्वारा कुछ डाटा चोरी हो गई थी। अब जेसन सेनमे एंड पैट्रिक पहले से ही इस हैकिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए मौजूद होते हैं और लियोन भी व्हाइट हाउस आ रहा होता है। प्रेसिडेंट उनके साथ इसी हैकिंग पर बात कर रहे होते हैं और वहां की पूरी लाइट्स चली जाती है, यहां तक कि इमरजेंसी लाइट्स भी नहीं जल रही थी। अब वहां किसी तरह शायद टी वायरस की वजह से कुछ एम्प्लॉयज जॉम्बीज में बदल गए थे और उन पर अटैक करने लगते हैं। लियोन सही वक्त पर आकर पैट्रिक की जान बचा लेता है और वो लोग मिलकर व्हाइट हाउस के सारे जॉम्बीज को खत्म कर देते हैं। अब व्हाइट हाउस को चाइना पर शक होता है और प्रेसिडेंट लियोन, जेसन, पैट्रिक एंड सेनमे को सबमरीन से चाइना जाकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। वहीं सबमरीन में लियोन जेसन को एंटीवायरस लेते हुए देखता है। अब एपिसोड 1 के आउट्रो में हम इंट्रो वाले फ्लैशबैक को कंटिन्यू होते हुए देखते हैं, जहां कुछ सोल्जर्स को मारकर लटका दिया जाता है और उन पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जलाने की कोशिश करते हैं, पर वो सोल्जर्स अचानक जॉम्बीज में बदल जाते हैं और उन लोकल्स को बड़ी बेरहमी से मारने काटने लगते हैं। वहीं एक बेसमेंट में वो बच्चा फंसा होता है, जिस बच्चे की वो ड्राइंग क्लेयर देख रही थी। एपिसोड 2। क्लेयर अपनी रिसर्च साल 2000 में पेनिमिस्तान में गई सोल्जर्स के ऊपर करती है, जहां उसे पता चलता है मैड डॉग्स क्रू के सारे सोल्जर्स ने सुसाइड कर ली थी, सिवाय जेसन के। इधर सबमरीन में लियोन बहुत से सबमरीनर्स को मरे हुए और इन्फेक्टेड हालत में देखता है, जिनकी बॉडीज से जॉम्बी चूहे बाहर निकल रहे थे। लियोन समझ जाता है कि इन चूहों का इस्तेमाल एज अ बायो वेपन किया गया है। वो किसी तरह उन चूहों से बच निकलता है, पर ये बायो वेपन जेसन और सेनमे ने ही यूज कर सारे सबमरीनर्स को मार दिया था, और वो लियोन को इसलिए नहीं मारते ताकि वो उसकी हेल्प अपने फायदे के लिए ले सके, जिसके बाद वो सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और तीनों सेफ्टी ट्यूब से चाइना पहुंच जाते हैं। सबमरीन की एक्सप्लोजन की खबर व्हाइट हाउस को लगती है और वो तीनों शंघाई में अपने सीक्रेट फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं, जहां लियोन जेसन से सच्चाई की मांग करता है। जेसन अपनी सफाई में यूएस गवर्नमेंट को ही दोषी ठहराता है, पर जेसन और सेनमे ने सारे सबमरीनर्स को मार दिया था, इस वजह से लियोन उन पर विश्वास नहीं करता और उनकी हेल्प करने से भी मना कर देता है, जिसके बाद उनके बीच लड़ाई होती है, जहां लियोन जेसन की छाती पर गोली मारकर गिरा देता है, पर सेनमे वहां से भाग निकलती है। एपिसोड 3। क्लेयर अपनी रिसर्च करते हुए एक एबेंडेंड घर में पहुंच जाती है, जहां उसे मैड डॉग्स में से एक सोल्जर की लाश मिलती है, जिसका सर गोली से उड़ा दिया गया था। साथ ही उसे एक मैड डॉग क्रियो की तस्वीर भी मिलती है और वो इस डेड बॉडी की खबर पुलिस को कर देती है। दूसरी तरफ सेन भागकर अपने ग्रैंडफादर के पास चली आती है, जहां लियोन भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है और सेन से उसके और जेसन के मिशन के बारे में पूछता है। यहां हमें असली सच्चाई का पता चलता है और किस तरह इस ऑनगोइंग इंसिडेंट और साल 2000 में जो पेनिमिस्तान में हुआ था, सबके पीछे जनरल मिनिस्टर विल्सन का हाथ होता है। विल्सन ने अपने फायदे के लिए एक मेडिसिन कंपनी से मिलकर एक वायरस और उसके क्योर को टेस्ट करने के लिए पेनिमिस्तान को एज अ एक्सपेरिमेंट बेस यूज करके वायरस फैला दिया। विल्सन ने पहले एक क्रू को पेनिमिस्तान भेजा,
जिन सोल्जर्स पर वायरस का एक्सपेरिमेंट किया गया था, साथ ही उन्हें वायरस का क्योर यानी इनहिबिटर भी दिया गया था। जहां लोकल उन पर अटैक कर देती है, तभी मैड डॉग्स को भी वहां जाकर उन्हें रेस्क्यू करना होता है। उन्हें सिर्फ एक सोल्जर जून सी घायल मिलता है। वो उन्हें किसी तरह एक बिल्डिंग में ले आते हैं और वहीं मदद के लिए वेट करते हैं, पर उन्हें वापस लेने के लिए कोई मदद नहीं आती। अब जून सी के क्रू में जो सोल्जर्स थे उन्हें लोकल्स ले गए थे और उन्हें मारकर लटका दिया था, जहां इनहिबिटर ना मिलने पर उन सोल्जर्स की डेड बॉडीज जॉम्बीज में बदल जाती है और उन लोकल्स को बेरहमी से काटने मारने लगती है, जिसके बाद लोकल्स भी वायरस से इन्फेक्टेड होकर जॉम्बीज में बदल जाते हैं। और कुछ जॉम्बीज वहां चले आते हैं जहां मैड डॉग्स छुपे थे। उनके बीच भिड़ंत के बाद सोल्जर्स उनको ढेर कर देते हैं, पर जॉम्बीज ने सोल्जर्स को भी काट लिया था, जिसकी वजह से वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुके थे। वहीं जून सी अपनी इनहिबिटर मैड डॉग्स को दे देता है और उन्हें जॉम्बी बनने से बचा लेता है, पर खुद इनहिबिटर ना लेने की वजह से जून की हालत खराब हो जाती है। अब तक मैड डॉग्स को भी इस बात का पता चल चुका था कि उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली और मिशन में मैड डॉग्स को भी खत्म कर दिया जाएगा, ताकि इनहिबिटर वाली बात सामने न आए और सब कुछ नेचुरल लगे। पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि विल्सन के उन पर कराए हमले से बच जाते हैं। अब सैन में, जो कि साल 2000 में फिफ्थ क्लास की सोल्जर थी, और विल्सन के कराए हमले के बाद वो किसी तरह मैड डॉग से मिलती है और जून सी को इन्फेक्टेड हालत में देखती है। एंड गाइस, जून सी कोई और नहीं बल्कि सैन मे का भाई था, जिसके बाद मैड डॉग सैन मे को इस सच्चाई के बारे में बताती है। अब जून सी ने अपनी इनहिबिटर देकर मैड डॉग्स की जान बचाई थी, तो जेसन जून को स्मगल कर सैन और जून के ग्रैंडफादर के पास चाइना भेज देता है, और उनके ग्रैंडफादर जून की इलाज कर रहे थे। और जब विल्सन को ये बात पता चलती है कि जेसन एंड मैड डॉग्स इनहिबिटर की वजह से जिंदा है, विल्सन उन्हें और इनहिबिटर के बदले अपने फायदे के लिए क्राइम करवाता है। पर विल्सन के कराए हमले से उसे लगता था सारे सबूत खत्म हो चुके हैं, पर जून की वजह से एक चिप अभी भी होती है जिसमें उस वायरस की डेटा मौजूद थी, और सैन एंड जेसन चिप को पब्लिक कर दुनिया के सामने इस बात की सच्चाई लाना चाहते थे। उसी वक्त उस बिल्डिंग की छत गिरने लगती है और देखते ही देखते पूरा बिल्डिंग भी गिर जाता है, पर लियोन सैन को बचा लेता है और उस चिप को भी। पर वो सैन को चिप वापस नहीं करता, क्योंकि अब उसे जेसन का प्लान समझ आ जाता है। जेसन के साथ जो भी हुआ था वो उसका बदला विल्सन और दुनिया से टेरर से सच्चाई बताना चाहता था, उन्हें डराकर। दूसरी तरफ विल्सन प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी पर दबाव डालता है कि हमें चाइना पर कोई इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, बतौर कि व्हाइट हाउस पर हैकिंग और सबमरीन एक्सप्लोजन पर चाइना के खिलाफ कोई फुल प्रूफ एविडेंस मिले हो। क्लेयर भी व्हाइट हाउस विल्सन की इंटरव्यू मैड डॉग्स पर लेना चाहती थी, पर क्लेयर को उस वक्त मना कर दिया जाता है। लेकिन उसी रात को विल्सन क्लेयर को किडनैप कर अपनी किसी बायोवेपन फैसिलिटी में ले आता है, जहां वो क्लेयर के सामने एक डील रखता है। क्लेयर की रिसर्च पब्लिक ना हो तो बदले में पेनेमिस्तान में स्कूल एंड हॉस्पिटल्स बनवा देगा, या उसके लिए फंड क्लेयर को दे सकता है। वहीं जेसन भी आकर एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो विल्सन को काट कर उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। जेसन के जॉम्बी मॉन्स्टर में तब्दील होते ही फैक्ट्री सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि वायरस विल्सन द्वारा बनाए जॉम्बी सोल्जर्स के सेल के बाहर आ चुकी है, जिससे फैक्ट्री सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन हो जाती है और एसिड से पूरा फैक्ट्री गलने लगता है। वहीं सैन एंड लियोन भी पहुंच जाते हैं, जो जेसन को समझाने की कोशिश करते हैं, पर फैक्ट्री के ऊपर जहां प्रेसिडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां जाकर अपने आतंक से सच्चाई बताना चाहता था, ताकि ये सब दोबारा ना हो। जेसन ऊपर जाने की जद्दोजहद में जुट जाता है और लाख समझाने पर भी लियोन या सैन की कोई बात नहीं सुनता, और जब वो उनके रास्ते पर आते हैं वो सैन को मार देता है, पर लियोन किसी तरह बच जाता है। इधर लियोन क्लेयर को एसिड से बचाकर उसे फैक्ट्री में लगे बड़े मशीनों से जेसन को डिस्ट्रैक्ट करने को कहता है। लियोन ने पहले से ही पैट्रिक को कॉल कर विल्सन की सारी करतूत बता दी थी, और वो ये प्रेसिडेंट को बता देता है। प्रेसिडेंट लियोन पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि उसने एक बार पहले भी उनकी बेटी की जान बचाई थी।
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं कहते। साथ ही वो इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि पेनेमिस्तान फिर से बसाने की पूरी कोशिश करेंगे। फैक्ट्री में लियोन और जेसन के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है, जिसमें जेसन अपना एक हाथ खो देता है और क्लेयर भी एक एक्सीडेंट की वजह से जख्मी हो जाती है। एट द एंड लियोन किसी तरह जेसन को एसिड में गिरा देता है। मरते हुए जेसन लियोन से कहता है, तुमने ये फियर और टेरर देखा है और तुम इसे पूरी दुनिया के सामने लाने में मेरी मदद करोगे, जिसके बाद वो पूरी तरह से एसिड में डूब जाता है। नेक्स्ट सीन में विल्सन को एक आदमी इनहिबिटर देता है। क्लेयर ठीक होकर लियोन से मिलती है और उस चिप की एक कॉपी मांगती है ताकि वो उसे न्यूज़ वालों को देकर दुनिया को सच्चाई बता सके, पर लियोन देने से मना कर देता है और क्लेयर चली जाती है। लियोन खुद से कहता है कि वो इसे रोकेगा और व्हाइट हाउस के अंदर चला जाता है। तो ये थी रेसिडेंट इविल इन्फिनाइट डार्कनेस सीजन 1 की स्टोरी। इन शॉर्ट बताऊं तो स्टोरी का रियल कल्प्रिट विल्सन होता है, जो बहुत सारे सोल्जर्स पर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो जॉम्बीज बन जाएं और जंग में कभी हारे नहीं, क्योंकि वो कभी मरेंगे ही नहीं, और उन सोल्जर्स को वो बेच कर काफी पैसे कमा सके। विल्सन जेसन और सेन से अपने फायदे के लिए गलत काम करवाता था। जेसन पूरी दुनिया के सामने इस सच्चाई को लाना चाहता था, पर उसका तरीका थोड़ा सही नहीं था। सीजन के एंड में जेसन मर जाता है और विल्सन भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। साथ ही विल्सन की फैक्ट्री भी अब खत्म हो चुकी थी, पर ट्राइसेल नाम की एक कंपनी अभी भी थी जो इनहिबिटर बना रही थी। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।